आज की हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया है पशु व्यापार एप्लीकेशन ने, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पशु बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से अपने पशु की फ़ोटो डालिए, रेट डालिए और जो भी लेने वाले भाई हैं आप तक पहुँचेंगे। इस एप्लीकेशन में आप हर प्रकार के एनिमल, गाय, भैंस, घोड़ा, घोड़ी, सभी प्रकार के एनिमल यहाँ बेच सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज हम थे मुकेरिया गांव में हैं, गुला चिक्का के पास, कैथल ज़िले में, और काफ़ी शानदार पशु भाई के पास मुर्रा नस्ल की भैंसे, कटड़ी, कुछ जोटियाँ और एक बहुत ही मशहूर सम्राट बुल। और भाई साहब का बिल्कुल बहुत अच्छे, इतने अच्छे पशु हैं, काफ़ी सारे, बहुत बढ़िया, और पेडिग्री लाइन सभी की, बुल के फादर का, मदर का, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड, और कहीं कोई कंट्रोवर्सी में आज तक ना आना, किसी पे उंगली ना उठाना, कहीं ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट ना करना, कहीं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ क्या, अपने इतनी अच्छी क्वालिटी के पशु हैं, इनको भी ज़्यादा कुछ फ़ोटो वगैरह इनकी फेसबुक वगैरह पे या कहीं चैनलों पे, यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी, भाई साहब ज़्यादा, मैं कहूँगा बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं है इस मामले में कि कहीं भी ज़्यादा अपने पशुओं का शो किया जाए। केवल मेले में पार्टिसिपेट करना, अच्छी क्वालिटी के पशु घर रखना, इसी तरह का ज़्यादा शौक है भाई को। तो सबसे पहली बार ये जो जितने भी पशु हैं आज पहली बार अपने चैनल पे आ रहे हैं, और सारे के सारे पशु बहुत अच्छी ब्लड लाइन के। इनके पास जो भैंस थी एक्सपायर हो गई, उसकी दो कटड़ियाँ भी हैं, बुल भी है, बहुत ही अच्छी भैंस थी, हमने इस RCIRB में देखी थी, दूध मिल्क रिकॉर्डिंग के लिए गई हुई थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा दूध देती थी। आज जो भैंसें 25-26-27 किलो दूध दे रही हैं, और बहुत बड़ा नाम है उन भैंसों का, और उनके मुकाबले की उनसे भी अच्छी भैंस थी कुछ ना कुछ, तो उसी की ब्लड लाइन भाई के पास है। हम शुरू से देख रहे हैं, काफ़ी सालों से भाई बहुत अच्छे पशु पाल रहे हैं। आज भाई साहब से पूछेंगे सारे पशुओं के बारे में डिटेल से, तो आइए भाई साहब से मिलवाते हैं। गुल्लू भाई साहब, सबसे पहले तो इतने अच्छे पशु आपने पाले हैं, इसके मामले में मैं कहूँगा आप बधाई के पात्र हैं कि बहुत अच्छे पशु पाले हैं। और जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट है, अपना जो ये बुल सम्राट है, इसके काफ़ी सारे बच्चे बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत सारे जाने माने ब्रीडर हैं, बड़े बड़े ब्रीडर हैं, उनके फार्म पे मैंने काफ़ी अच्छे पशु देखे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं नस्ल सुधार के ऊपर, सबसे पहले आप उसके बधाई के पात्र हैं जो पशु, इतना अच्छा पशु आपने तैयार किया है। तो भाई साहब, गाँव थे मुकेरिया, तहसील गुला और डिस्ट्रिक्ट कैथल, तो बुल का नाम सम्राट है भाई। इसकी माँ जो CIRB में गई थी वही थी ना भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। कितना दूध दिया था भाई साहब? 5-6 महीने की ब्याई थी जी, 23+ दूध दिया था जी। 5-6 महीने की ब्याई ने 23+। तो भाई साहब, ताजी ब्याई घर पे कितना दूध देती थी? पटियाला लेवल पे मिल्किंग चल रही थी, 26-200 में पास हुई थी जी पटियाला जिले के अंदर। अच्छा, पटियाला में। पटियाला में फिर अपने किसी यार दोस्त के पास भेजी थी? जहाँ पर अपनी वहाँ जोटी है जी, प्रोने के पास, वहाँ 26-200 निकालिया था, सारा रिकॉर्ड है वहाँ पर। अच्छा, 26 किलो 200 ग्राम दूध। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो वो कितने साल भैंस रखी भाई साहब आपने? वो जी सारे बच्चे उसी के हैं जी, हमारे पास रही है 7-8 साल भैंस जी। अब उसकी डेथ हो गई, पीछे अटैक हो गया था उसको। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसकी लास्ट कटड़ी थी जो CIRB में साथ गई थी। अच्छा अच्छा, ये जो दो नंबर पे है, ये आपने तीसरे नंबर पे है, जूनियर जो नाम रखा उसी का नाम रखा है जिसको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अपना जो बुल है इसकी एज कितनी होगी भाई साहब? एज इसकी जी 4.5 साल से ऊपर होगी जी। 4.5, तो कितनी उम्र में इसका सीमन तैयार करवा दिया था आपने? 2.5 साल का जी। 2.5 साल का, ठीक है। तो बच्चे वगैरह बहुत अच्छे आए हैं जहाँ तक मैंने भी देखे, आप भी बताओ। हाँ जी हाँ जी, बच्चे इसके बहुत ज्यादा अच्छे आ गए जी। तकरीबन ये जैसे सुखवीर डांडा है जी, उसके पास कटड़ी आई थी। अंद्रेस के पास आई थी जी। और बलविंदर रुकती है जी पंजाब के अंदर, उनके पास है कटड़ी जी। तो अच्छे बच्चे आए हैं यार, उसकी पहली कटड़ी आज से 6 महीने बाद में बच्चा दे देगी जी। तो पहली बच्चा आया था इसका जी, कटड़ी आई थी कैथल में जी, वो 6 महीने के अंदर बच्चा दे देगी, दूध लाइन का भी पता लग जाएगा जी कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे बच्चे बहुत अच्छे आए हैं जी इसके, कोई भी बच्चा माड़ा नहीं आया।
तो इसका सीमन अपनी कोई सप्लाई वगैरह है या घर ही सेल करते हैं भाई साहब? घर ही सेल करते हैं तकरीबन दो जी। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा बुल, इसको एक बार खोल के लेके आना भाई साहब। 4.5 साल की उम्र है और बहुत ही सुंदर बुल है, जिस कंपटीशन में भी जाता है तो सभी लोग, सभी जितने भी ब्रीडर भाई हैं, बहुत मैं कहूँगा पीठ पीछे तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब बुल को देखते हैं, मैं कहूँगा सभी, लगभग सभी ब्रीडरों के घर पे ये इसके बच्चे आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी इसके। इसका फादर कौन है गुल्लू भाई? इसका जी 7860 HLDB का जी। HLDB के बुल का है, 7860 का जी। HLDB के बुलों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, और आप बुल देखिए बहुत ही सुंदर, गर्दन काफ़ी लंबी है और चेहरा मुंह बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल कटड़ी कटड़ी जैसा मुंह है बुल का। और अभी थोड़ा ऐसे दिखने लगा है थोड़े दिन पहले, 6 महीने से, कि एक आप मेल को देख रहे हैं। 6 महीने पहले तक भी अगर आप बुल को देखते तो बिल्कुल कटड़ी की तरह, जैसे कोई फीमेल बहुत ही सुंदर कटड़ी आप देख रहे हैं, ऐसा चेहरा है। मोस्टली जो बुल होते हैं उनका सींग भी भारी मिलता है, मुंह भी भारी मिलता है, लेकिन ये जो है बहुत ही सुंदर बुल है। तो टेस्टिकल देखिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शेप में। बहुत सारे बुलों के, काफ़ी बार मैं कहता हूँ कि टूटे हुए जो है होते हैं टेस्टिकल, उन घुटनों से नीचे भी मिल जाएंगे, लेकिन साइज़ देखिए बहुत ही बढ़िया। इसकी जो माँ थी उसका अडर भी बहुत बड़ा था और चारों थन बहुत काफ़ी दूरी पे थी, मेरी देखी हुई है, बहुत ही अच्छी भैंस थी। CIRB में हमने देखी थी तो वहाँ भी 5 महीने की ब्याई भाई ने बताया 23 किलो से ऊपर दूध दे के आई थी, तो बहुत ही शानदार और साफ़ सुथरा कटड़ा, बहुत ही बेहतरीन। बांधो भाई साहब अंदर, भाई के पास जितने अच्छे पशु हैं कहीं भी, कोई बहुत सारे आजकल जो सीमन बेचने वाले हैं या जो भी पशु बेचने वाले हैं, या कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में और नुक्ताचीनी में फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमेंट्स में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन गुल्लू भाई का आज तक आपने कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा किसी के बारे में गलत कमेंट करते हुए, किसी के बारे में कोई गलत बात कहते हुए। तो बिल्कुल मैं कहूँगा ज़मीन से जुड़े हुए हैं और कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल शांत हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और जब बच्चे दूध पे आएंगे तो आप देखेंगे कि बुल के जो बच्चे हैं वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया आएंगे, और मैं कहूँगा जितना इनको आज तक जितना सीमन बेचना चाहिए था उसका 10% ही बेचा होगा। ये हमारी भी कमी है कि हम टाइम से भाई के जो इतने अच्छे पशु हैं इनकी वीडियो नहीं बना पाए। इससे आगे फिर एक और कटड़ी 2 नंबर पर बंधी हुई है, इसके बारे में पूछेंगे। ये भाई साहब कितनी उम्र की है? ये 3.5 साल से ऊपर है जी। 3.5 साल से ऊपर है, कौन सी बार की ब्याई हुई है? ये दूसरी बार ब्याएगी जी, अभी छिकी के दांत तोड़े हैं जी। 6 दांत है और 3.5 साल की है। पहले ब्यांत में कितना दूध दिया भाई साहब? 16.5। अभी कितने दिन बाकी है ब्याने के? 15 दिन ले लेगी कम से कम। 15 दिन बाकी है, खोल के लेके आना भाई साहब इसको भी। उसी भैंस की, इसी बुल की बहन है? हाँ जी, इसी बुल की बहन है जी। इसका फादर कौन है भाई साहब? इसका हमारे दोस्त के पास था जी बुल। हाँ हाँ, भैंस प्रेग्नेंट करवाई थी जी। अच्छा अच्छा, उससे बच्चा आया था जी। तो देखिए पेडिग्री का था जी। 6 दांत कटड़ी है, आप सोच सकते हैं कि कितनी। पहले ब्यात में 2 दांत ब्यागी थी भाई साहब, खीरी ब्यागी थी। 6 दांत बहुत सारे घरों में मैं कहूँगा पहली बार बच्चा देती हैं, लेकिन भाई साहब के पास जो है दूसरी बार ब्याई है, केयर बहुत बढ़िया है और बहुत ही सुंदर जोटी है। चारों थन देखिए बिल्कुल अलग अलग, शो क्वालिटी की कटड़ी हम इसे कहेंगे। और 15 दिन अभी बाकी हैं, तो आप सोच सकते हैं अर्डर भी काफ़ी बड़ा बनाएगी। और 16.5 किलो दूध पहले ब्यांत में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही ईमानदार आदमी है और बहुत ही तसल्ली का काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई 1-1.5 लीटर के भी कोई ऊपर नीचे वाली बात इनके पास से कभी सुनी हो, या किसी भाई ने, किसी ब्रीडर भाई ने भी भाई की बात पे कभी उंगली उठाई हो। ले चलो भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत कटड़ी है। तो इस बार क्या उम्मीद करेंगे भाई साहब, कितना दूध निकाल देगी? पर ये उम्मीद इससे जी 20 प्लस की तो पक्का ही है जी, बाकी देखो। रिकॉर्ड करवाना भाई साहब कहीं ना कहीं, हां जी, हां जी। चाहे HLDB में करवाएं, चाहे मुर्रा एसोसिएशन में करवाएं, बहुत ही देखते हैं जी कितना निकालेगी। बहुत ही अच्छी है जी, इससे बहुत ही शरीफ कटड़ी है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और इससे आगे फिर इसकी छोटी बहन, लेकिन ऊंचाई के मामले में मैं कहूँगा जो बड़े बड़े बुल हैं उनको भी मात देने वाली, और पहली बार की ब्याई हुई।
ये कटड़ी भाई साहब कितने दांत है? ये अभी दो दांत हुई है जी, अभी तोड़े हैं इसने। अच्छा, तो ब्याई को कितने महीने हो गए? ब्याई को तो अभी 15 दिन हुए हैं जी बच्चा जी। अच्छा, तो इस ये कितना दूध दे रही है जी अभी? ये 16.5-17 किलो पे आ गई जी, मेरी दिस से अच्छी है जी। अच्छा, 16.5-17 किलो पे अभी चल रही है जी, स्टम चल रही है। ठीक है, तो ये कटड़ी दी है जी? ये कटड़ा है जी PC 665 का जी। PC 665 का, ये 19 दिन की होगी भाई। 19 दिन की, तो PC 665 तो भाई साहब छोटा ही था, लेकिन कटड़ी ये कटड़ा जो है काफी लंबा ऊंचा है। इसी पे आया जी, बहुत बड़ा था जब बच्चा भी था, मतलब कि पूरे जान था भी बहुत अच्छा था। हाँ, PC 665 तो छोटा था ना, बोल बिल्कुल ही वो छोटा था, बच्चे बहुत अच्छा दिया जी। हाँ हाँ, लेकिन PC 665 भाई साहब हरियाणा गवर्नमेंट के पास रहा और वहाँ केयर कम होती है। हाँ, उनके बुल लगभग छोटे ही हैं, लेकिन जो उनकी ब्लड लाइन है, पेडिग्री है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो कटड़ा बहुत सुंदर बनेगा, ये भी बिल्कुल जेड ब्लैक है पूरे का पूरा और काफी बढ़िया कटड़ी। अभी कितना दूध बताया गुल्लू भाई दे रही है? 16-17 पे इस टाइम है जी, HLDB में फार्म भर है जी, अभी हफ्ते का टाइम लिया हमसे जी। अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग करवाएंगे जी, तो अभी तो और दो किलो दूध की तो उम्मीद होगी। बट तो अच्छी है जी, बाकी चलो देखते हैं जी। अच्छा, खोल के दिखाना भाई साहब इसको भी। होगी जी, टीके टूके लगे हैं जी, अभी थोड़ा कम होगी, मैं देखने वाले भाइयों को बताऊं कि अभी दोपहर के लगभग 1 बजे हैं और 6 बजे दूध निकालते हैं भाई साहब। हाइट लेंथ बहुत ज्यादा है कटड़ी की, बहुत ही ज्यादा। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया जोटी, काफी लंबी ऊंची है। और एक बात हम शुरू से ही भाई से पूछना भूल गए कि कौन से पशु ने कहाँ कहाँ प्राइज जीता है। तो भाई साहब इसी के पास खड़े हैं, इसी के बारे में बता दीजिए पहले। तो एक तो मेरठ फर्स्ट आई थी शादी है जी। हाँ हाँ, और करनाल में फर्स्ट आई थी। हाँ हाँ, ये लगा था बहु समाना में जी। हाँ हाँ, और एक ये आई थी सेकंड इधर झज्जर में जी। झज्जर में, हाँ, जो हरियाणा गवर्नमेंट का लगा था। हाँ जी, और जो ये आगे, इससे आगे जो बड़ी कटड़ी है वो पिछली बारी अपने 8 मेले लगे थे जी। हाँ हाँ, वो 8 के 8 में फर्स्ट आई थी जी। अच्छा, हाँ जी, 8 के 8 मेलों में फर्स्ट आई थी। दामसू ये काफरेली में डाली थी जब छोटी थी, वहाँ सेकंड आई थी, बुखार हो गया था जाके, बैठ गई थी बिल्कुल ही। हाँ हाँ हाँ, वहाँ सेकंड आई थी। ठीक है, पिछले साल के 8 मेलों में फर्स्ट रही है कटड़ी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और खीरी थी, उसी टाइम से कंपटीशन लड़ रही है। ठीक है, और अपना बुल भाई साहब सम्राट, बुल इसने 18-19 मेले लड़ लिए जी। हाँ हाँ, उसमें से 12-13 तो फर्स्ट है जी। हाँ हाँ, बाकी कोई दूसरा कोई तीसरा बाहर अभी तक निकला नहीं जी। बाहर अभी तक कहीं कभी भी नहीं निकला जी। बड़े बुलों में भी 5-6 कंपटीशन लड़ लिए जी, और बाकी खीरे 2-4 दांत उनमें फर्स्ट ही रहा जी। उनमें तो एक तरफा ही रहा लगभग। हाँ, 4 दिन तक तो एक तरफा ही रहा जी, लास्ट आया था जी झज्जर में, नहीं मुजफ्फरनगर में फर्स्ट आया था। हाँ हाँ, उससे पहले हरियाणा का जो झज्जर का था उसमें भी उसमें पता नहीं फर्स्ट आया सेकंड आया, दूसरे नंबर पे था एडल्ट में। एडल्ट में दूसरे नंबर पे था, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बुल है, और सारे के सारे जो पशु हैं भाई के पास प्राइज विनर, प्राइज जीते हुए। आप सोच सकते हैं कि 18 कंपटीशनों में पार्टिसिपेट करके कहीं भी आज तक बुल कभी भी बाहर नहीं निकला। एक कटड़ी जो कि लगातार पिछले साल के 8 कंपटीशनों में फर्स्ट रही। ये भैंस भाई साहब, ये भाई सुखवीर डांडा से आई थी। हाँ हाँ, तो इसने CIRB में गई हुई थी, 28-29 लीटर पे चल रही थी। हाँ हाँ, 29 पर लास्ट 2 चुवाई रह रही थी, बीमार हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो फिर वहां से ये सीधा मेरे पास ही आ गई थी। मेरे पास भी पटियाला की तैयारी थी, 26-27 किलो पे चल रही थी, तो मेला कैंसिल हो गया था, फिर अब ट्राई कर दी। अच्छा, तो अभी कब बच्चा देगी ये? अभी ये देगी 3rd महीने में जी। 3rd महीने, अब की बार तो लेट देगी फिर बच्चा। लेट देगी जी। ठीक है ठीक है, CIRB मतलब की देखेंगे कैसे होगी, चुवाई कराएंगे जरूर जी, ठीक ठाक ब्यागी। हाँ, 29 किलो दूध तक चली गई थी। चली गई, पता ही है, दांसू वाला भी वही था अपना रमेश भाई जी। हाँ हाँ हाँ, सुखवीर था, वहाँ नरेश था, प्रदीप चौधरी था। हाँ हाँ, तो सारे वही थे, एक हफ्ता में वही रहे थे। ठीक है ठीक है, बाद ही मैंने खरीदी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो जमुना गुजर गई थी। हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर सुखवीर ने मेरे को दे दी थी। ठीक है ठीक है, जमुना जो भैंस भाई के पास थी, जमुना नाम था, जो एक्सपायर होगी, और काफ़ी सारे भाइयों की पसंद, वो बहुत पसंदीदा भैंस थी और बड़ा सभी को धक्का लगा था जब वो एक्सपायर हुई थी। तो इससे आगे ये कटड़ी भाई साहब, ये कटड़ा इसी का जी। अच्छा, कटड़ा है इसी का। ठीक है,
इसी भैंस का कटड़ा है। इसका तो ब्लड फादर का नहीं पता होगा। इसका वो है जी M188। M188 ठीक है ठीक है, छोटे साइज का बुल है HLDB के पास। तो गुल्लू भाई साहब, बुल को क्या देते हैं आप फीड में इसकी अच्छी तैयारी के लिए? फीड में तो अभी जैसे गर्मियों में तो कम ही दाना डालते हैं, कोई ज्यादा नहीं डालते जी। अच्छा, तो अब बनवाया जैसे छोले हो गए, सोयाबीन का छिलका हो गया, कणक हो गई, मक्की हो गई, तो मेथे, नमक, मीठा सोडा सारे मिक्स करा के बस वो ही दे रहे हैं, और कोई चीज नहीं। भिगो के देते हैं? भिगो के जी। दूध वाले पशुओं को जो देते हैं है जी सारा। वही सभी को देते हैं? ठीक है, तो कितने टाइम फीडिंग करते हैं भाई साहब? सुबह अभी तो एक टाइम स्टार्ट करी है इनकी दोपहर को। अच्छा, जो ये ब्याई हुई है जैसे इसको सुबह भी डालते हैं दो टाइम। अच्छा अच्छा, दो टाइम देते हैं ब्याई हुई को, बाकी को एक टाइम? एक टाइम सबको जी। ठीक है ठीक है, बुल को भी एक ही टाइम देते हैं? एक ही टाइम है जी। कोई घी तेल वगैरह भी दिया है? नहीं कुछ नहीं दिया जी वो तो। तो सीमन दे रहे हैं आप डॉक्टरों को, तो कोई रिपोर्ट है इस प्रकार की कि जैसे कोई डॉक्टर 50 सीमन लेके गया तो कितने कंसीव रहने के चांस रहते हैं? तकरीबन जी 100 में से 90% ही कंसीव हुए हैं जी। अच्छा, कटड़ियां भी ज्यादा आ रही हैं मेरे ख्याल से? कटड़ियां बता तो ज्यादा रही हैं जी। देखो पहले हमने पहले 20 में से जब पहले मतलब की टीके लगे थे 20 में से देखी थी, उसमें तो 16 कटड़ियां थी। 16 कटड़ियां, उसके बाद इतना कभी ध्यान नहीं दिया, अभी चलो कटड़ा बच्चे अच्छे आ रहे हैं वो। हाँ हाँ, तो लगभग कितने सीमन बेचे हैं भाई साहब अभी तक सम्राट के? सीमन जी तो इसके 4-5 हजार सीमन दे दिए। 4-5 हजार सीमन दे चुके हैं, घर से ही दिया जी। हाँ, कहीं कहीं सिलेंडर गाड़ी में रख के लेके नहीं गए? कभी नहीं, बस मेले में तो चलो जाते ही हैं जी। हाँ हाँ हाँ, और कहीं किसी जिले के अंदर भी किसी डॉक्टर के पास नहीं सीमन है जी अपना। ठीक है ठीक है। एक अभी मलकीत लड़का है जी, सिर्फ वो लेके गया अभी 100 सीमन जी। अच्छा अच्छा, बाकी थोड़े थोड़े सीमन ही गए, वो ही लेके जाते हैं। ठीक ठीक, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। मोबाइल नंबर फिर आप कौन सा देना चाहेंगे अपना? मोबाइल नंबर 99968-87002। ये नंबर है भाई का, नीचे स्क्रीन में भी चल रहा है और रूटीन में वीडियो में भी चल रहा है। तो आप जरूर हमें भाई कमेंट्स में बताएं कि भाई के जो ईमानदारी है, जो शराफत है, सबसे पहले वो कैसी लगी, और उसके बाद जो बुल हैं, जो जोटियाँ हैं, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल बिल्कुल आराम से सही तरीके से भाई साहब काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है सीमन बेचने की, या किसी से भी कभी उलझे हों, कभी लड़ाई झगड़े में कभी पड़े हों। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे पशु तैयार किए हैं भाई ने। कमेंट्स में ज़रूर बताना ये जो झोटियाँ हैं वो कैसी लगी। एक तो जो दो दांत झोटी है काफ़ी ऊँची लंबी पहले ब्यांत की, और ये जो दूसरे वाली है बिल्कुल नगीने जैसी है, और दूध भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इस बार निकालेगी। अभी 15 दिन बाकी हैं। सुल्तान की बेटी है नरेश भाई वाले की? ठीक है, तो नरेश भाई वाले एक हमने भी एक जोटी देखी थी 20 किलो दूध की सुल्तान की भाई साहब, तो ये भी शायद बढ़िया दूध देगी। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसे लगे आपके, आपको सारे के सारे पशु भाई के, सभी भाई जितने भी देश विदेश से हमारे साथ जुड़े हैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। ये देखिए जो भाई ने अभी तक प्राइज वगैरह जीते हैं, जो हमें बता रहे हैं कि काफ़ी सारे प्राइज इनके जो एनिमल हैं अब तक जीत चुके हैं हर कंपटीशन में। तो देख सकते हैं आप कि जो बैठक है इनकी पूरी भरी हुई है फ़ोटो से, और हर जगह पार्टिसिपेट किया है, छोटे मेले में, बड़े मेले में, सारे के सारे एनिमल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर रखे हैं अभी तक इन्होंने, और हर पशु ने प्राइज जीता। बहुत ही बढ़िया घोड़े घोड़ी भी तैयार किए हैं, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन हर पशु, बहुत ही बढ़िया। और कंपटीशनों में जो प्राइज जीत चुके हैं वो एनिमल, और ये जोटी जो सबसे पहले भाई ने रखी थी, और इसके साथ में जो छोटी गड्डी है, ये 5-6 बार इनके घर पे बच्चा दिया, और बहुत ही बेहतरीन जो है इस कटड़ी के बच्चे रहे। और ये जमुना है जो सामने आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं जो CIRB में जो फ़ोटो खींचा हुआ है, ये वाला फ़ोटो जब काफ़ी दिनों की ब्याई हुई थी उस टाइम पे बहुत बढ़िया इसने दूध दिया था। ये देखिए 26 किलो 200 ग्राम जमुना जब इसने पटियाला में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुवाई होती है उसमें दूध रिकॉर्ड करवाया था। बहुत ही बढ़िया भैंस, ब्यूटी में भी और दूध में भी बहुत ही सुंदर, और इसी की लगभग इसी की अभी आज के दिन भाई साहब के पास ब्लड लाइन है। ये देखिए सारे के सारे जो पशु इनके प्राइज जीते हुए, ये CIRB सार का
है मोमेंटो देते हुए, फर्स्ट आई थी, और जो ऊपर कोने में कर बता रहे हैं भाई साहब जमुना फर्स्ट आई थी, कहाँ आई थी फर्स्ट? ये पटियाला लगा था जी, जिले वाला, उसमें आई थी, करनाल में आई थी पहले। अच्छा, करनाल में भी, पटियाला में भी। कितने साल पहले की बात है जी? ये मेरे पास 8 साल हो गए शायद इसको जी। अच्छा, 8 साल, ठीक है ठीक है, 7-8 सालों की बात है, 7 साल की शायद। बहुत ही बढ़िया।